ना 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 बच्चे बेटे का कसूर है, जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो तो उनको ज्यादा एडवाइस नहीं करते। ओबीसी 20% थे पिछली बार में, ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं बना। क्या हमने पार्टी छोड़ दी? क्या हमने धमकियाँ दी? या हमको ट्विटर पे गए या फेसबुक पोस्ट पे गए? जब नील भारती को नहीं बनाया था पिछली बार है, तो नील भारती को फेसबुक पे बता दू। हालांकि एक ही था, इसी के सारे पैरेलल है, सुधीर जो है इसी के बैचमेट है, ये सारे उसी ग्रुप के लोग तो थे। तो ये तो मंत्री भी बन गए, सब कुछ बन गया, वो तो क्या चुप रहा, वो तो सीबीएसई, वो तो रोज ये में जो रिजाइन लेके घूमता रहता था। बड़े बड़े ढींगे मारने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी सरकार दिल्ली की फेल हुई है और उसकी शक्ल आपने कर्नाटक में देख ली है। तुम तो रोज मोदी मोदी के गीत गाते थे, अब आपको बड़े याद आ रहा है कि सरकार ठीक नहीं चली, तुमने कैसे चलाया? वही रिपीट आप, पहले अपने गृहवान में झांक के देखो, फिर आप किसी के ऊपर दोष आरोपण। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बेटे नीरज भारती की सोशल मीडिया पोस्ट सहित तमाम पहलुओं पर आज फिर से खुलकर बात की। सीधा कह दिया कि ये मुख्यमंत्री के ऊपर, किसको बनाना है किसको उठाना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि हम 20% थे पॉपुलेशन में, ओबीसी 20% थे पिछली बार में, ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं बना। क्या हमने पार्टी छोड़ दी? क्या हमने धमकियाँ दी? या हमको ट्विटर पे गए या फेसबुक पोस्ट पे गए? जब नील भारती को नहीं बनाया था पिछली बार है, तो नील भारती को फेसबुक पे ये बता दूँ। हालांकि एक ही था, इसी के सारे पैरेलल है, सुधीर जो है इसी के बैचमेट है। उसके बाद देख लो आप जितने पर जीत के आए हैं, ये मर्कलेट उसका बैचमेट है, ये जो आपका नान बाड़ा है, क्या नाम है, दिने, ये सारे उसी ग्रुप के लोग तो थे। तो ये तो मंत्री भी बन गए, सब कुछ बन गया, वो तो क्या चुप रहा, वो तो सीबीएसई, वो तो रोज ये में जो रिजाइन लेके घूमता रहता था। सर बात करेंगे फिर आप समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे। ना 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 बच्चे बेटे का कसूर है, जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते। वो करो आपको 5 साल बड़ा विपक्ष में बैठने का काम किया, उसको आप तत्परता से करिए, तैयारी करके आइए। बाकी आपकी सरकार दिल्ली में है, बड़े बड़े ढींगे मारने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी सरकार दिल्ली की फेल हुई है और उसकी शक्ल आपने कर्नाटका में देख ली है। अब तुम जो है तिरंगा रैलियां करो या फवानी रैलियां करो, अब वो बात बनने वाले नहीं है। अभी आप मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी आपका शक्ल नजर आ जाएगी। हरियाणा के चुनाव आए हैं, उसमें भी शक्ल नजर आएगी। उसके बाद राजस्थान के चुनाव आए हैं, उसकी भी शक्ल आ गई। जहाँ पर जो मतलब की बात है वो तो आप लोग करते नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो इसकी सरकार की न्याय कहते। आपकी सरकार 5 साल रही, आपका नाक तो बिल्कुल सीधा था, तुम तो कहते थे डबल इंजन की सरकार है। आपने डबल इंजन की सरकार में 5 साल जो है वो पैसे का जितना दुरुपयोग किया, जितना आपने लोन लिया है, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कि किस मुंह से आप ये कह रहे हैं कि देश की वित्तीय कंडीशन जो है वो कैसी आप छोड़ के गए हो। कभी आपने स्पेशल पैकेज की बात की थी मुख्यमंत्री से कि हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, प्राइम मिनिस्टर से कि हमें बेल आउट करो, तब तो तुम बोलते नहीं थे, तुम तो रोज मोदी मोदी के गीत गाते थे। अब आपको बड़े याद आ रहा है कि सरकार ठीक नहीं चली, तुमने कैसे चलाया? वही रिपीट आप, पहले अपने गृहवान में झांक के देखो, फिर आप किसी के ऊपर दोषारोपण करो।